बड़ी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। फाइनली रू बाबा आ चुके हैं नए सॉन्ग के साथ, यानी कि भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक ही हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसका प्रोमो आउट हुआ है। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है टीजर भूल भुलैया 3 टाइटल ट्रैक कार्तिक आर्यन पिटबुल दिलजीत नीरज और प्रीतम और तनिष्क। वाह, अच्छा तनिष्क तो हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं पुराने वाले जो ट्रैक्स हैं उनका कुछ फ्लेवर तो हम लोगों को नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोमो का कैसा होने वाला है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर का फॉलो इनके चैनल को, उसके अलावा लॉगिन चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर का फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आ गया ना पुराने गाने वाला फील। बहुत ही छोटा प्रोमो था लेकिन इसमें आपको एक कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया पुराने वाली भूल भुलैया का जो गाने का फ्लेवर था। अच्छा गाने में आपको थोड़ी सी दिलजीत की आवाज जो है महसूस हुई? तो भाई टाइटल ट्रैक में है तो सही है ना, हाँ, है ना? कि, वही ना, हालांकि वो जो आवाज है ना थोड़ी सी थी, स्लाइटली सी आपको फील हुई थी, प्रोमो ही बहुत छोटा था ना। तो इस वजह से निकाल जो है हम सारा इकट्ठे बैठ के देखेंगे क्योंकि 1, 2 और अब 3 तीसरे का। वैसे जब दिलजीत की आवाज आई तो दिलजीत का नाम जो है वो आया, जब पिटबुल की आवाज आई तो उस टाइम पर उनका भी नाम जो है वो हमें उनके शब्द नजर आए। लेकिन मेरे लगता है शायद गाने में खुद भी आएंगे, मेबी हो सकता है अभी कल जैसे वो हुसैन ने तेरा तोबा में जो है वो खुद आए थे करण। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें भी जो है ना, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं 3 वाला काफी धमाकेदार और कोई आइकॉनिक डांस मूव्स हम लोगों को देखने को। बिल्कुल, वैसे मुझे थोड़ा सा जो स्टेज है ना वो लास्ट टाइम वाला जो था ना गाना उसके जैसा जो है वो, यानी कि उनके डांस स्टेप्स जो है वो उस तरह के लगे हैं और लुक भी कुछ जो है वो उस तरह की रूप बाबा जी की जो है वो लगी है। तो वैसे लग रहा है कि मजा आएगा कल देखने का गाना, आई होप, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप जैसे जैसे आप आगे जाते हो रीमेक पे रीमेक बनता रहता है ना, तो उस फ्लेवर को मेंटेन रखना मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग रहता है, चाहे वो म्यूजिशियन हो चाहे वो सिंगर्स हो कॉम्पोजिशन हो, क्योंकि कुछ ना कुछ छेड़खानी तो हम लोगों को देखने को मिलती है और म्यूजिक में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा छेड़खानी देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक तो जो हम लोगों ने लास्ट 2 टाइटल ट्रैक देखे हैं भूल भुलैया के वो तो बहुत ही मजे के थे, इंजॉय भी किया है। क्योंकि लास्ट 2 ट्रैक्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई नीरज सर की आवाज में हम लोगों ने वो गाना सुना है, अभी दिलजीत दोसांझ सर की आवाज में हमें सुनने को मिलेगा। तो मुझे ये नहीं अभी समझ में आ रहा कि स्विच हम लोग जैसे करेंगे तो कैसा फील होगा। लेकिन इस गाने में देखें ना आपको काफी ज्यादा सिंगर्स जो है वो एक साथ जो है वो देखने को मिले, 2 म्यूजिशियन और जो है 3 सिंगर। लेकिन सिंगर देखो ना चेंज हो गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर को डाइजेस्ट, नए सिंगर को डाइजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि चेंज हो गए क्योंकि अगर देखा जाए ना तो दिलजीत के साथ नीरज जी का भी नाम जो है बीच में है, तो वो भी कुछ चीजें जो है जैसे हम देखते गानों में मिक्स कर दी जाती है तो कुछ मिक्सिंग नहीं की गई होगी। फिर तो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा जो है वो एक मजा आने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि नीरज सर की आवाज के बगैर तो भूल भुलैया का जो गाना है ना नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन है, मजा नहीं देगा आपको वाला। वो एक वाइब नहीं फिर वो उस तरीके की आएगी, क्योंकि भाई हम लोगों ने बहुत सारे गाने बचपन से सुने हैं नीरज सर के, बहुत कमाल के गाने उनके होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वाला जो ट्रैक है ना ये कुछ अलग ही लेवल का है जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। खैर कल का इंतजार करते हैं, जैसे ये गाना आएगा आपके साथ बैठकर जरूर देखेंगे। आप थोड़ा अनुमान लगाइएगा कि आपको क्या लग रहा है भाई गाने में क्या क्या फ्लेवर्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, क्योंकि नाम ही इतने बड़े बड़े ऐड हो चुके हुए हैं ना कि मुझे लगता है कि गाना देखना जरूर बनता है। और इसी के साथ हमने इजाजत।